हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 4, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। ठीक है, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, दुनिया की प्राचीनतम ग्रंथों में से एक, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद चार हैं। वेद कितने होते हैं? चार हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, चार वेद होते हैं। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। ठीक है, ऋग्वेद के अंदर जो भी प्रार्थनाएं, श्लोक वगैरह हैं, उनको सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुतियों में रचे गए हैं। देखिए, पूजा करने के लिए जो भी थे ना देवी देवताओं के लिए, वो थे। इनमें से तीन देवता बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, ऋग्वेद में जिन देवताओं का उल्लेख हुआ है, वो देवता है अग्नि, इंद्र, सोम। ठीक है, तो इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं कि ऋग्वेद में किन किन देवताओं का उल्लेख हुआ है। अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। ठीक है, अग्नि आग के देवता थे। ठीक है, याद रह जाएगा आसानी से। इंद्र युद्ध के देवता है और सोम एक पौधा था जिसका एक पेय पदार्थ या जूस बनाया जाता था, सोम रस। ठीक है, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना जो है वो किसने की? ऋषियों ने की। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। देखिए, आजकल हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हम लोगों को होमवर्क मिलता है, हम लोग उसको घर आके कॉपी कर लेते हैं, इस तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन पुराने टाइम में क्या था कि जो ऋषि होते, आचार्य जो होते थे ना, वो अपने विद्यार्थियों को अपने पास रखते थे, उनको वहाँ बिठा के और एक एक चीज़ जो थी ना उनको सस्वर पाठ करा के याद करवाते थे, मतलब बोल बोल के याद करवाते थे। ठीक है, रिटर्न वर्क उस टाइम नहीं होता था, तो सारा का सारा जो काम था ना वो उनको कंठस्थ करवाया जाता था। तो उनके जो गुरु है वो उनको अपने पास बिठा के सारी चीज़ें याद करवाते थे, रटा देते थे अच्छे से। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तो ऋग्वेद की जो भाषा है वो भी पूछ सकते हैं, संस्कृत भाषा थी। ठीक है, तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। ठीक है, तो आज की जो संस्कृत और जो सबसे प्राचीन संस्कृत है उसकी लिपि में थोड़ा बहुत अंतर है। संस्कृत और अन्य भाषाएं, देखिए संस्कृत जो भाषा है वो भारूपीय, ठीक है, भारूपीय बोलते हैं इसको। देखिए, भारत और यूरोप, तो इनका जो मिक्स है ना मीनिंग, इसलिए भारूपीय बोला गया इसको। भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएँ, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएँ जैसे फारसी, यूरोप की बहुत सी भाषाएँ जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतावली, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। मतलब यूरोप, भारत और यूरोप, इन दोनों का मिश्रण है इसमें। उन्होंने एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए, मातृ संस्कृत का शब्द है मातृ, और माँ हिंदी में बोलते हैं, और मदर अंग्रेजी शब्दों को देखें। ठीक है, तो ये MM का साउंड दे रहे हैं तो सेम साउंड आ रहा है, इस तरह से इन लोगों ने इसको कनेक्ट किया होगा। क्या तुम्हें इनमें से कोई समानता नज़र आती है? उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की ओर की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए, देखो पूर्वोत्तर प्रदेशों में, जैसे पूर्वोत्तर हो गया ना, पूर्व उत्तर की तरफ का, जैसे हमारा नागालैंड है, मणिपुर है, आसाम का जो एरिया है, ठीक है, तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। ठीक है, तो ये जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये मलयालम, ये साउथर्न पार्ट है, दक्षिणी भारत है, तो यहाँ पे द्रविड़ परिवार बोला जाता है इसको। ठीक है, दक्षिण के अंदर द्रविड़ भाषाएँ। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएँ ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। तो देखिए, जिस एरिए कि उस पर छाप होती है ना, जिनके शब्द उसमें ज़्यादा मिलते हैं, तो उसको वहाँ की भाषा बोल दी जाती है। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई है। आज की जो बुक्स हम पढ़ रहे हैं वो लिखी और प्रिंटेड है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था। ठीक है, गुरु बोलते थे और शिष्य है वो उनको सुनकर ग्रहण करते थे।
न कि पढ़ा जाता था, मतलब लिखा हुआ नहीं था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ होगा। देखिए ऋग्वेद तो 3500 साल पहले का बताते हैं, लेकिन इसको जो प्रिंटिंग है वो लगभग 200 साल पुरानी बताते हैं, ठीक है। तो उससे पहले जो ऋग्वेद है उसको, या जो अदर जो दूसरे वेद हैं उनको बोल बोल के ही लोगों में फैलाया गया था। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्व वेदाओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेष के अभाव भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं, ठीक है। इतिहासकार जो है ना वो लिखित जो अवशेष हैं उनको भी ढूंढते हैं। चलो देखते हैं ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियाँ, ठीक है, व्यास और सतलुज के बीच ये संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। देखिए इसमें बता रखा है कि जो दो नदियाँ थी वो व्यास और सतलुज जो नदियाँ हैं वो, और ये जो ऋषि हैं विश्वामित्र, ये वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, तो इसका अंश है उसमें दे रखा है। देखिए ये ऋग्वेद की एक पांडुलिपि का एक पन्ना है, ठीक है, एक पन्ना दे रखा है पेज, भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी है। देखिए पेड़ की जो छाल होती है ना बार्क, उस पर लिखते हैं। ये पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी लगभग 150 वर्ष पहले। ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ है। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। तो ये लगभग 150 साल पुरानी है और ये कश्मीर से मिली है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो पेड़ की जो छाल होती है, ठीक है, तना, उसके ऊपर जो छाल होती है उसके ऊपर लिखा जाता था। ये विश्वामित्र और नदियों के बीच का वार्तालाप दे रखा है जो ऋग्वेद के अंदर मिला है, उसमें ये बता रखा है। देखिए मवेशी जानवर जो होते हैं ना उनको मवेशी बोलते हैं, जानवर घोड़े और रथ क्या था उस टाइम। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों मतलब छोटे बच्चे जिसमें खासकर पुत्रों के बारे में, और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। मतलब ऋग्वेद के टाइम में जो घोड़े हैं उनके बारे में भी जानकारी थी। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे, ठीक है। जब लड़ाइयाँ होती थी तो दूसरे साइड के जो लोग थे ना वहाँ से मवेशी जीत के लाते थे, जानवरों को जीत के लाते थे, ठीक है। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, किसी हिस्से को कैप्चर मतलब कब्जा करने के लिए भी, जहाँ अच्छे चारागाह हों या जहाँ पर जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता था, ठीक है। तो मतलब जो लड़ाइयाँ युद्ध होते थे वो एक तो घोड़ों के लिए, ये जो मवेशी जी थे उनके लिए भी होता था, और एक जगह के लिए भी होता था। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। तो मतलब उस टाइम भी लोग है युद्ध करते थे और उनका ये कारण था, ठीक है। युद्ध में जीते गए धन का, देखिए जो भी युद्ध में धन जीतते थे कुछ भाग सरदार रख लेते थे और कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था, शेष धन आम लोगों को बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती है। अब देखिए आहुतियों के अंदर घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। तो मतलब बलि प्रथा भी उस टाइम प्रचलित थी ऋग्वेद के टाइम में, ठीक है। तो इस तरह से युद्ध करते थे और युद्ध के जो धन होता था उसको आपस में बांट लेते थे, ठीक है। और जैसे आजकल हम लोग देखते हैं यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो आहुति देते हैं घी और अनाज की। तो उस टाइम उस तरह से ये जो है ना सिस्टम पुराने टाइम से चला आ रहा है, ठीक है। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे, देखिए पुरुष भाग लेते थे, ठीक है। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो, ठीक है। तो यहाँ जो ये सभाएं होती थी वहीं पे ये लोग सेना बना लेते थे और अपना सरदार चुन लेते थे, फिक्स आर्मी नहीं होती थी इनकी। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, लोगों का वर्गीकरण देखिए, काम सबसे इम्पोर्टेंट है ये कि लोगों ऋग्वेदिक टाइम में, ऋग्वेदिक काल में, ठीक है, जो लोगों का वर्गीकरण किया गया था वो काम के आधार पर किया गया था।
भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखना है। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया था। जो जिस तरह का काम करता था वो उसकी जाति वही हो जाती थी। ऐसे पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, ठीक है। और दूसरे जो लोग थे वो राजा थे। दो तरह के लोग थे कि जो यज्ञ तरह का या जो भी काम करते थे वो तो ब्राह्मण थे और पुरोहित भी कहते, और दूसरे जो लोग थे वो राजा थे। ये राजा वैसे नहीं जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये न तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे और न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। मतलब जैसे राजा का बेटा राजा बनता है, हमने ये पढ़ा है मध्यकाल के अंदर, है ना, तो ये इसमें नहीं होगा, ठीक है। जो ऋग्वेद के टाइम में जनता जो है वो अपने पसंद से किसी को राजा बनाती होगी, तो ये गणतंत्र व्यवस्था थी उस टाइम। पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो, पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे, ठीक है। तो जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, ठीक है, पूरा जो जनता और जो समुदाय है उसको जन कहते थे, जिसका प्रयोग हिंदी या अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विष, जिससे विषय शब्द निकला है। इस विषय पर अध्याय 5 में पढ़ेंगे, ठीक है। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विष, भरत जन या विष, मतलब भरत जन, भरत देश। देखिए जन और ये जो विष है ना, ये एक देश या राष्ट्र या समुदाय के लिए बनाया गया है। भरत जन या विष, यदु जन, ये देखिए यदु जो थे ना, ये भरत जो थे, ये उस टाइम के जो मुख्य राजा थे उनके नाम थे समुदायों के। विष जैसे कई नाम उल्लेख हैं, तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, देखिए हमने देखा था स्टार्टिंग के अंदर कि जो ऋग्वेद है उसके अंदर प्रार्थनाएं लिखी गई है, ठीक है। तो इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास, स्त्रीलिंग में इसको मतलब दास और दासी, ठीक है, शब्द का मतलब गुलाम हो गया। जैसे आजकल हम लोग जानते हैं ना दास दासी क्या होते हैं, वैसे दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। दूसरे देशों से पकड़ के ले आते थे उन्हें। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था, जो भी का मालिक चाहते थे उन्हें वह सब काम करना पड़ता था, ठीक है। तो मालिक जो है वो अपनी मर्जी से इनसे काम करवाते थे। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा। देखिए एक जगह पे जब ऋग्वेद बन रहा था तो धरती के दूसरे हिस्से पे कुछ और चल रहा होगा, ठीक है। तो ये देखते हैं क्या हो रहा होगा। खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की, ठीक है, महापाषाण बड़े बड़े पत्थरों की। अगले पृष्ठ के चित्र को देखेंगे, ठीक है। ये शिलाखंड महापाषाण, महा का मतलब होता है बड़ा और पाषाण का मतलब होता है पत्थर, तो महापाषाण नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए। देखिए किसी को दफन करते हैं, ठीक है, किसी की कब्र होती है, उसके बाद में वहाँ पे जो बड़े बड़े पत्थर लगा देते हैं उसको बोलते हैं महापाषाण, ठीक है। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं और कुछ जमीन के भीतर भी होते थे, ठीक है। तो दो तरह के थे, कुछ तो सरफेस पे ऊपर थे और कुछ थे काफ़ी गहराई में थे। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये इस तरह से कब्र बनाई हुई है, दफनाया गया है यहाँ पे किसी को और इसके चारों तरफ जो है वो पत्थर लगाए गए हैं, ठीक है। तो ये कब्रगाहें थी, कब्रगाहें इसमें बता रखे। देखिए दो तरह की होती थी, एक तो ऊपर होती थी जिसके चारों तरफ बहुत सारे पत्थर जैसे ये लगा रखा है, और एक होती है जैसे आप लोगों ने टीवी में देखा होगा यहाँ पे जैसे डेड बॉडीज होती है और उसके बाद में यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर लगा दिया जाता है जिसपे कुछ डिटेल लिख दी जाती है उसके बारे में, ठीक है।
महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। जैसे गड्ढा खोदना, ठीक है, अब मान लेते हैं कब्र बनाने के लिए क्या करते लोग, गड्ढा खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, पत्थर जो है वो दूसरी जगह से लाते, फिर बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। तो ये लंबा प्रोसेस इनको करना पड़ता था। ऊपर इस तरह के महापाषाण को ताबूत समाधान यानी सिस्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए सिस्ट में एक पोर्ट होल यानी बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता है। देखिए ये यहाँ पे एक सुराख सा है ना, पोर्ट होल, ठीक है। तो यहाँ से ना जो नीचे, जैसे यहाँ से नीचे जो कब्र बनी हुई है उसके अंदर जाने का रास्ता है। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। देखिए जो कब्र थी ना उसके साथ में कुछ सामान भी डाला जाता था जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन यानी ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ जो बर्तन रखे जाते हैं ये, इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। तो ये चीज़ें इनके साथ में दफना दी जाती थी। क्या हड़प्पा के शहरों में लोगों लोहे का प्रयोग होता था? तो कब्रों से, देखिए महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान जब मिले हैं तो इससे हम अंदाज़ लगा सकते हैं कि लोहे का इस्तेमाल करते होंगे। बाई और घोड़े के लिए, घोड़े के लिए सामान नीचे, देखिए घोड़े के लिए सामान है और बाई और कुल्हाड़ियाँ और नीचे ये कटार है, ठीक है, ये कटार है। तो ये जो सामान है वो कब्र के साथ में मिला है, ठीक है। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती है, ज़्यादा सामान मिलता था, ठीक है। ब्रह्मगिरी को घोषणा है मानचित्र के अंदर, यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके, ठीक है, गोल्डन बिट्स और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। ये दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है कि कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब और कुछ सरदार तो कुछ दूसरे अनुयायी। तो देखिए जब कब्र को दफन करते थे उनके साथ में जो सामान मिला है उससे अंदाज लगाते थे कि लोग जो है उनकी स्थिति क्या थी। जैसे मान लेते हैं किसी के साथ में ये सोने के, जैसे मान लें मनके मिले हैं तो वो कोई अमीर व्यक्ति या राजा रहा होगा, और जिसके पास में कुछ सामान नहीं मिला, पत्थर के बर्तन वगैरह मिले, तो वो कोई साधारण या गरीब व्यक्ति होगा। तो इससे जो आदमी है ना उसकी सामाजिक स्थिति का पता चलता है। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले, ठीक है, तो एक ही कब्र के अंदर है ना एक से ज़्यादा कंकाल मिले। देखिए ऐसे तो कुछ चीज़ें हैं वो धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग ख़राब हो जाती है, लेकिन जो हड्डियाँ हैं, कंकाल है, ये मिट्टी के बर्तन हैं, ये तो काफ़ी सालों तक मिल जाते हैं वैसे वैसे ही। वे ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय में दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दोबारा दफनाने आ सकते थे। देखिए ऐसा है कि जैसे कब्र बनी हुई थी यहाँ पे वो पोर्ट होल बना हुआ था और जो कब्र है वो ज़मीन के अंदर थी, तो लोग जो है ना वो यहाँ से ज़मीन के अंदर वापस जाते होंगे। और जैसे मान लेते पहले यहाँ किसी की कब्र थी और किसी को दफना दिया गया, तो इसके लिए जो बाहर पत्थर लगा हुआ है उसके ऊपर डिटेल लिख देते हैं कि ये इसकी कब्र है, ठीक है। तो इनके परिवार से जो भी संबंधित व्यक्ति होता है उसकी नेक्स्ट टाइम जब डेथ होती है तो वो लोग यहाँ पे अपनी जो कब्र थी पुरानी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब देखिए इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र, ये इनाम गांव का है, इसको मैप में देखना है। ये भीमा की सहायक नदी, देखिए भीमा जो नदी है उसकी सहायक नदी घोड़ के किनारे की एक जगह है। भीमा भी एक नदी है और घोड़ भी एक नदी है, ठीक है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लेटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था, कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिन्हें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए सब के पास ही रख दिए जाते थे, ठीक है। तो कभी कभी ये लोग क्या करते, अपने घरों के अंदर ही जो खाली जगह होती थी वहाँ इनको दफना देते थे और खाने पीने का जो सामान था वो साथ में रख देते थे।
एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। ठीक है, बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था और शव के पैर मुड़े हुए थे। क्या तुम्हें पता लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? ठीक है, तो इसके बड़ा घर था, अनाज का भंडार था, तो हो सकता है ये कोई अमीर व्यक्ति रहा हो। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल में फ़र्क करना कोई बड़ा फ़र्क नहीं होता। ठीक है, तो छोटा बच्चा वो लड़की का स्व मतलब कंकाल है या लड़की का, ये पहचानना मुश्किल होता है। क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? तो कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी स्त्री की हड्डियों की जांच है। ठीक है, क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कुल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो इससे पहचान करते हैं कि ये स्त्री का कंकाल है या पुरुष का। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। हमारी जो आज की जो साइंस है वो इसको अच्छे से पता कर सकती है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए। देखिए, इम्पोर्टेंट है, चरक वैद्य हैं। इनका जो चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी, तो चरक की जो पुस्तक है उनका नाम चरक संहिता है। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ थी। ठीक है, इन्होंने जो 360 हड्डियाँ मानी है, यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। देखिए, आजकल जो है वो साइंस 206 हड्डियाँ मानता है और चरक ने 360 हड्डियाँ मानी थी। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को भी जोड़कर यह संख्या बताई थी। तो काफ़ी मतलब पुराने टाइम में भी जो है लोगों ने काफ़ी विकास कर लिया था, साइंस जो है वो काफ़ी डेवलप था उस टाइम भी। इनाम गाँव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जो चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। ठीक है, कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाज़ा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे, हड्डियों को खाते। ठीक है, गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियाँ भी पाई गई है। देखिए, इन जानवरों के नाम है वो आपको एक बार ध्यान में रखना। देखिए, जैसे सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो घोड़े से परिचित नहीं थे, ऐसा पढ़ते हैं हम। ठीक है, लेकिन जो ऋग्वेद है उसके अंदर घोड़ा है उसका उल्लेख मिला है, घोड़े की जो अस्थियाँ हैं वो मिली हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियां एकत्र की जाती थी, तो इस तरह के फल भी लोग हैं वो खाते थे अन्यत्र। ठीक है, एटलस में चीन को देखना है और 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। ठीक है, तो 3500 साल पहले जो चीन ने किस तरह से लेखन कला का विकास किया था वो देखते हैं। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था, इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता है, क्योंकि ये मान्यता थी कि ये भविष्य बताती है और राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे, क्या वे युद्ध जीतेंगे। ठीक है, हड्डियों पे लिखवाते थे कि क्या वो युद्ध जीतेंगे, क्या फसलें अच्छी होगी, क्या उन्हें पुत्र होंगे, इस तरह की चीज़ें उस पर लिखवाते। फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता, जहाँ इन्हें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद तुम भी सोच रही होगी कि भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते हैं, तो इस तरह से वो जो है एक तरह से भविष्यवाणी सोचते होंगे, बट ऐसा पॉसिबल होता है क्या? ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। इन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीन में जो है लोग 3500 साल पहले लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे।
ऋग्वेद के राजा और इन राजाओं के बीच में एक फर्क बताना आपको, ठीक है। तो ये देखिए हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दे रखी है वो देखते हैं। वेदों की रचना का प्रारंभ हुआ लगभग 3500 साल पहले। महापाषाण के निर्माण की शुरुआत, ठीक है, जो बड़े बड़े पत्थरों को बनाया जाता था कब्रगाहों के ऊपर, तो ये लगभग 3000 साल पहले हुआ था। इनाम गांव में कृषकों का निवास था, तो इनाम गांव जो है वहाँ पे लगभग 3600 से 2700 साल पहले का है। और चरक जो थे वो लगभग 2000 साल पहले थे, और इन्होंने अपनी पुस्तक चरक संहिता, ठीक है, उसमें हड्डियों की संख्या 360 बताई थी। ये पुराना चिकित्सा शास्त्र है। तो ये हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।